सीबीएसई पेपर लीक मामले में हिमाचल के ऊना जिला के एक स्कूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी जांच करवाने की बात कही है। हमीरपुर के कन्या विद्यालय में नेटबुक वितरण समारोह के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई के पेपर लीक का मामला केंद्रीय बोर्ड का मामला है। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो। सीबीएसई जो है ये केंद्रीय सरकार का मामला है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मामला है। इसमें लीक नहीं होना चाहिए पेपर, लेकिन अगर जो है वो जांच में पाया जाता है कि भी लीक हुआ है तो निश्चित रूप से जो है वो फिर इवन प्लेइंग फील्ड जो है सब बच्चों को नहीं मिलती है। कहीं जो है वो जिसने लीक कराया है क्रिमिनल इंटेंशन के कारण उसको फायदा पहुँच सकता है, लेकिन इसकी निश्चित रूप से जो है वो केंद्रीय सरकार भी जाँच कर रही है और जाँच होनी चाहिए इसकी।